हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। मेरा नाम है दीपिका पटेल और हम आज बात करने वाले हैं बायोलॉजी की एक टॉपिक की, जिसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हम हिंदी में कहते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। क्या कहेंगे? मानव परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब इसका ट्रांसफर, स्प्रेड किसका? रुधिर का। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक तंत्र है। ठीक है, हमारे मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों में से एक है परिसंचरण तंत्र। इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। सर्कुलेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं परिसंचरण। परिसंचरण, द वर्ड सर्कुलेशन मीन्स टू ट्रांसपोर्ट और टू स्प्रेड। ठीक है, ये परिसंचरण शब्द का जो मतलब होता है वो होता है परिवहन। परिवहन, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन करना या स्प्रेड मतलब फैलाना। परिवहन करना या फैलाना, मेनली ये किसे डील करता है? ये ब्लड या रुधिर से डील करता है। ठीक है, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एंड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स टू सेल्स एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या करता है मानव परिसंचरण तंत्र? तो देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र, ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स इनको हम कहते हैं, ये हिंदी में कहेंगे हम रुधिर वाहिनियां। हिंदी मीडियम वाले टेंशन नहीं लेंगे, मैं सब चीज बताऊंगी। ठीक है, रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स को हिंदी में कहते हैं रुधिर वाहिनियां। तो जो मानव परिसंचरण तंत्र है वो किससे किससे मिलके बना हुआ है? रुधिर वाहिनियों से, जो कैरी करते हैं, जो साथ लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? रुधिर। क्या लेके जाएंगे? रुधिर। रुधिर कह लीजिए, रक्त कह लीजिए, खून कह लीजिए। अवे फ्रॉम एंड टुवर्ड्स द हार्ट, हृदय। हृदय से शरीर के सभी, हृदय से शरीर के सभी भागों तक लेके जाने और लाने का काम करता है ये वाला तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और वो क्या लेके जाता है? वो साथ में ऑक्सीजन लेकर के जाता है, पोषक तत्व लेकर के जाता है, हार्मोन्स लेकर के जाता है। वो उनको उनके जरूरत की चीजें दे देता है और उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट, वो वापस लेकर के आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर के पूरी की पूरी एक सर्कल बनती है। ठीक है, अब इसके ऑर्गन्स को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या अंग हैं, है ना। ऑर्गन्स मतलब अंग, अंग तंत्र बना हुआ है विभिन्न अंगों से मिलकर के। तो इसके कौन कौन से अंग होते हैं परिसंचरण तंत्र के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और मुख्य अंग है हार्ट, हृदय। इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सिस्टम विच रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from all parts of the body and then sends it to the lungs for receiving oxygen and then again sends the oxygenated blood to all body parts. ठीक है, ये जो हृदय होता है ये हमारा मुख्य organ होता है, मुख्य अंग होता है, जो कि रुधिर को pump करने का काम करता है। ठीक है, पंप करने का काम करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रहित, जिसे हम हिंदी में या लोकल भाषा में हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, तो ये अशुद्ध रुधिर जो है ये है ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित रुधिर जो होता है, ऑक्सीजन रहित मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन रहित रुधिर को जो है शरीर के सभी अंगों से कलेक्ट करता है और उसके बाद में हृदय तक आता है। तो हृदय फिर उसको क्या करता है? लंग्स को भेजता है, लंग्स यानी फेफड़ों के पास भेजता है। क्या करने के लिए? ताकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निष्कासित हो सके और ऑक्सीजन अवशोषित हो सके। उसके बाद में लंग्स से फिर जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, अब जब लंग के पास गया तो वहां से ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त
रुधिर जो है वो वापस हृदय को आ जाती है और फिर हृदय उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ये काम है मेनली हमारे हृदय का, ठीक है। उसके बाद में दूसरे मुख्य और अंग क्या है, आर्टरीज। आर्टरीज यानी कि धमनियां, आर्टरीज यानी कि धमनी, ठीक है। ये क्या करती हैं, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, हृदय से शरीर के सभी भागों तक लेकर के जाती है। हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाने वाली रुधिर वाहिनी जो होती है उसका नाम होता है धमनी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, अयोटा, महाधमनी कहते हैं हिंदी में इसको, हम अयोटा या महाधमनी, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। धमनियों का काम क्या होता है, धमनियों का काम होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देना, ठीक है। उसके बाद में उसका दूसरा जो अंग होती है वो होती है वेन्स, वेन्स यानी कि शीराएं, वेन्स यानी कि शीराएं, ठीक है, वेन्स यानी कि शीराएं। शीराएं क्या काम करती हैं, शीराएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन रहित रुधिर, ऑक्सीजन रहित रुधिर जो है वो शरीर के सभी भागों से कलेक्ट करती हैं, संग्रहित करती हैं और उनको लेकर के आती हैं हृदय में। कहाँ लेके आएंगी, हृदय में, कहाँ से, शरीर के सभी भागों से, ऑक्सीजन रहित, ठीक है, ऑक्सीजन रहित, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो किसकी अधिकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, ठीक है। वेन्स या शीराएं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी शीरा जो होती है उसका नाम है वेना कावा, क्या नाम है, वेना कावा, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी शीरा है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, अयोटा, सबसे बड़ी शीरा कौन सी, वेना कावा, ठीक है। फिर तीसरी मुख्य अंग है कैपिलरीज, कैपिलरीज इसको हम कहते हैं नलिकाएं, क्या कहेंगे, केश नलिकाएं, ये हमारे शरीर की सबसे पतली रुधिर वाहिनियां होती हैं, ठीक है। जो हमारी शीराएं एवं धमनियां होती हैं वो शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करने का काम तो करती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अंग या जगह जहां तक ये भी नहीं पहुंच पाए, बहुत छोटी छोटी जगहों में, तो वो पहुंचाने का काम करती हैं केश नलिकाएं या कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज कंप्लीट द सर्कुलेटरी सिस्टम बाय कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करने का भी काम करती हैं और ये उन सारी जगहों तक पहुंचती हैं जहां तक ये नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इनकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है ये शिराएं और धमनियों की, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है और केश नलिकाएं बहुत ही ज्यादा पतली होती है। केश, केश से याद रखिएगा, केश यानी कि बाल, बाल जितने पतले होते हैं बिल्कुल वैसे ही पतली पतली रुधिर वाहिनियां होती हैं, ठीक है। तो ये इससे हम लोगों ने ये समझा कि उसके क्या क्या अंग हैं, इस परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग प्रयुक्त होते हैं या काम करते हैं साथ मिल करके। अब कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे मानव हृदय का डायग्राम, ठीक है। हृदय का डायग्राम, हृदय के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहें होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखो ये ऐसा दिखता है हमारा हार्ट, ठीक है, जो हम लोग सांकेतिक रूप से बनाते हैं ना, वैसा नहीं है ये, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें चार चेम्बर्स होते हैं, हमारा जो मानव हृदय होता है वो चार चेम्बर्स से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है, चार कक्ष होते हैं ऊपर के दो। देखो कौन कौन से चार कक्ष होंगे, ये है, इसको मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है, ये देखो, ये है पहला कक्ष नंबर वन, ये, ठीक है, फिर ये है दूसरा, फिर ये देखो इधर, ये यहाँ पे ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है तीसरा, और ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है चौथा, ठीक है। ये जो ऊपर के दो कक्ष हैं, चेम्बर नंबर वन और चेम्बर नंबर थ्री, ये दो हैं, दो ओरिकल्स, या इसको हम कहते हैं एट्रियम्स, एट्रियम्स या ओरिकल्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं आलिंद, हिंदी में हम कहते हैं आलिंद,
डायालिन और बायालिन दोनों ऊपर के एट्रियम या ओरिकल्स, ओरिकल्स भी कहीं कहीं पे मिलता है, इसको ओरिकल्स भी कहते हैं, एट्रियम या ओरिकल्स आलिंद। और ये जो नीचे के दोनों चेंबर्स हैं, चेंबर नंबर 2 एंड चेंबर नंबर 4, ये दोनों होते हैं वेंट्रिकल्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं निलय, आलिंद ऊपर वाले, नीचे वाले निलय, आलिंद और निलय, ठीक है, ऊपर के दोनों आलिंद, नीचे के दोनों निलय, ये जो दो चेंबर्स हैं। अब देखो और क्या क्या भाग हैं इसमें, ठीक है, ये जो आपको क्रीम कलर का दिख रहा है ये ठीक है, ये इसके बाहर की दीवारें हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है, बाहर की दीवारें हैं, ये सेप्टम है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो पूरा का पूरा हृदय है ना, वो एक झिल्ली जैसे से कहना चाहिए संरक्षित रहता है, कवर्ड रहता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये एक बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है कि हृदय के चारों ओर किससे घिरी होती है, तो वो घिरी होती है पेरिकार्डियम से, ठीक है। तो ये सेप्टम है जो इसको अलग करती है। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये जो होती है, ये होती है वॉल्व्स, वॉल्व, वॉल्व होती है जैसे पानी का वॉल्व होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ और यहाँ पे वॉल्व होती है जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को अलग करती है, जो क्या करती है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को अलग करती है, ये वॉल्व, ठीक है। अच्छा, ये जो वॉल्व होते हैं ये वन साइडेड ओपनेबल होते हैं, मतलब सिर्फ एक तरफ खुलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे टाइप के रहेंगे, ये एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे हैं। अब ये खुलना होगा तो ये ऐसे करके, जैसे ये ऊपर ऊपर से ये केवल ऐसे खुलेंगे, ठीक है, और ये ऐसे करके ये ऊपर वापस से ऐसे उल्टा नहीं खुलती, ये सिर्फ एक जैसे खुलते हैं, है ना। जैसे दरवाजे होते हैं कई, तो एक होता है कि आपका दीवार से लगा हुआ दरवाजा है तो वो एक ही बार हो खुल जाता है, जो जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में रहता है तो वो जो कांच के दरवाजे होते हैं वो चाहे तो आप बाहर की ओर धकेलो चाहे आप अंदर की ओर धकेलो, दोनों तरफ खुलते हैं। लेकिन ये वाले जो वॉल्व होते हैं ये केवल वन साइडेड होते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर खुलते हैं लेकिन नीचे से ऊपर की ओर दोबारा से नहीं खुलते, बिल्कुल ऐसे लगे हुए होते हैं, ऐसे सटे हुए होते हैं, ये ऐसे खुल जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं खुलेंगे, ठीक है, ये ऐसे बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये वॉल्व का काम होता है। उसके अलावा यहां से देखिए, ये वाला जो बड़ा से ये वाला दिख रहा है ना, ये है हमारा वीना कावा, ये है वीना कावा। वीना कावा क्या है, सबसे बड़ी शीरा वेन, सबसे बड़ी वेन्स है वीना कावा। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है अयोटा, ये है अयोटा, सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये और ये भी दिख रही हैं जो लंग्स तक जाती हुई दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये वाली जो ब्लू वाली है ये पल्मोनरी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शीरा, ये है पल्मोनरी आर्टरी जो रुधिर को हृदय से लंग्स तक ले जाने का काम करती हैं। ये जो छोटी छोटी दिख रही हैं आपको, ये देखो यहाँ पे दिख रही हैं, ये पिंक कलर वाली, ये और ये दोनों ही लंग से आ रही होती हैं, ये है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स फुफ्फुसीय शीराएं। क्या है, फुफ्फुसीय शीराएं, पल्मोनरी वेन्स, हिंदी में भी लिख देती हूँ। ठीक है, और ये फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने थोड़ा देर पहले एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं, सॉरी नॉर्मल आर्टरीज जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स तक लेके जाने का काम करती हैं। लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित रुधिर को हृदय से लंग्स तक लेके जाती हैं, ठीक है। चाहे आप इसे एक्सेप्शन के तौर पे याद कर लीजिए या आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो धमनियां होती हैं वो रुधिर को हृदय से बाहर लेके जाती हैं,
और जो शिराएं होती हैं वो रुधिर को बाहर से हृदय तक लेके आती हैं। तो उसका उस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि ये भी तो बाहर ही लेके जा रही है, तो जो बाहर लेके जा रही है वो आर्टरीज है, ठीक है। पल्मोनरी का कंसेप्ट ये है कि जो शिराएं एवं धमनियां लंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं उनको हम पल्मोनरी कह देते हैं, ठीक है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट इजी लगे आप याद कर लीजिए, मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया। या तो आप एक्सेप्शन की तरह याद कर लीजिए कि बाकी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, और बाकी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, ये एक कंसेप्ट। या दूसरा, क्योंकि ये हृदय से बाहर लेके जा रही है ना, तो ये धमनियां है, ठीक है, और हृदय को आ रही है ना, तो ये शिराएं हैं, ठीक है। तो जब ये लंग्स से आ रही हैं तो ऑक्सीजन लेकर के आ रही हैं, और ये तो लंग्स को लेने ही जा रही हैं, तो जब ऑक्सीजन लेने जाएंगी तो इनके पास है नहीं। आई बात समझ में? एक्सेप्शन है, दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से याद रखिए, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे के सारे ऑर्गन्स, कौन सा कहाँ कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, ठीक है, कि मैकेनिज्म कैसे मतलब कैसे काम करता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या होता है, एक साइकिल होता है, पूरी की पूरी एक पूरी प्रोसेस और साइकिल चलती है हमारे शरीर के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू लोअर बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है टू अपर बॉडी। ये जो शिराएं हैं यहाँ, धमनियां, ये जो धमनियां हैं ये इधर से पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया इन्होंने ऑक्सीजन, ठीक है। अब जिस भी बॉडी सेल्स तक इन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाया, उन बॉडी सेल्स ने उन ऑक्सीजन को यूज किया, यूटिलाइज किया, और जो अपना बाई प्रोडक्ट था, जो कचरा था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, क्या वेस्ट प्रोडक्ट था उनका? कार्बन डाइऑक्साइड। आई एम सो सॉरी, हाँ, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, क्या वेस्ट प्रोडक्ट था इनका? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करके ये वीना कावा के थ्रू नीचे के सारे अंग इधर और ऊपर के सारे अंग, हृदय से ऊपर के सारे अंग से वीना कावा में आ गए। सारा का सारा रुधिर अब ये कैसा वाला है, आप इसको अशुद्ध समझ लो, ठीक है। अशुद्ध रुधिर है वो आकर के चेंबर नंबर वन इसमें आके इकट्ठा हो गया, ठीक है, चेंबर नंबर वन में आके इकट्ठा हो गया। अब देखो, अब इसकी अपर राइट कॉर्नर इधर कहीं पर यहाँ पे होता है एक नोड, एक छोटा सा नोड, इसे हम कहते हैं एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, एस ए नोड, इसे ही पेसमेकर भी कहा जाता है। क्यों अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये पेसमेकर या एस ए नोड क्या काम करता है, जैसे ही सारा का सारा रुधिर आके यहाँ इकट्ठा हुआ, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल किसको जनरेट करेगा, इन मसल्स को जनरेट करता है जो कि इसको घेरे हुए हैं, यहाँ पे जो मसल्स हैं, क्या करने के लिए, सिकुड़न के लिए, ताकि इन मसल्स में सिकुड़न हो तो इनके सिकुड़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो। समझ आ रही है बात। केमिस्ट्री का एक यूनिवर्सल गैस इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। तो इससे ये कांस्टेंट हो गया, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो यही वाला फिजिक्स जो है हमारा हृदय उपयोग करता है, हृदय में भी वही चलता है। फिर से क्या हुआ, शरीर से सारी की सारी रुधिर जो है, जो क्या बोलना चाहिए, अशुद्ध रुधिर है, वो आकर के इकट्ठा हो गया यहाँ पे चेंबर नंबर वन, ठीक है, राइट एट्रियम में। फिर इस एसए नोड ने एक सिग्नल जनरेट किया इन मसल्स के लिए, इन्होंने कहा इन मसल्स को कि चलो तुम सिकुड़ो, ठीक है। अब यहां से मसल सिकुड़ना चालू किए, तो मसल जैसे सिकुड़ना चालू किए इस जगह को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, दबाएंगे, तो इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, आयतन में कमी आएगी, आयतन में कमी आने से प्रेशर में वृद्धि हो जाएगी, है ना। आयतन में कमी आई, प्रेशर में वृद्धि हुई, उस इस प्रेशर से, अब ये जो प्रेशर है वो कहाँ लगाएंगे, ये इन्हीं
दीवालों पे प्रेशर लगाएंगे ना, तो बाकी सब जगह तो बंद है, एक ही जगह से खुल सकता है। तो यहाँ से जब प्रेशर इस पे पड़ता है तो ये वॉल्व जो है खुल जाता है, ये वॉल्व खुल जाता है। देखो ये ऐसे है, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे है, ये ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से प्रेशर पड़ा और प्रेशर करके इसने इनको धक्का दे दिया, तो ये वॉल्व खुल गया। जैसे ही वॉल्व खुला, सारा का सारा रुधिर यहाँ आके इकट्ठा हो गया, किसमें? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ? राइट निलय, निलय में आके इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से संकुचन हुआ, संकुचन होने से वो सारा का सारा रुधिर इसमें आकर के जमा हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ से SA नोड से जो सिग्नल है, यहाँ के बाद इधर यहाँ पे एक होता है AV नोड, इसके पीछे पीछे AV नोड, ऑरिको वेंट्रिकुलर नोड, यहाँ है SA नोड, यहाँ है AV नोड। इसमें से जब रुधिर इधर आ गया, यहाँ आके जमा हो गया, उसके बाद ये AV नोड सिग्नल जनरेट करेगा। इस AV नोड के सिग्नल जनरेट करते ही इसको घेरे हुए जो मसल्स हैं, इनको सिग्नल मिलेगा संकुचन का, फिर ये संकुचित होंगे, इनके संकुचन से, अब देखो ये वाला तो वन साइडेड ओपनेबल था, सिर्फ नीचे खुल सकता था, ऊपर नहीं खुल सकता, तो ये वाला रास्ता तो बंद हो गया इनके लिए। तो फिर ये धक्का देते हैं ये मिट्रल वॉल, ये जो ये पल्मोनरी अपनी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, इसके यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा हुआ होता है, इस वॉल्व को करके पूरा का पूरा प्रेशर के साथ में, पूरे के पूरे प्रेशर के साथ में इधर चले जाते हैं पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। इधर से आया, यहाँ आया, जैसे ही AV नोड से सिग्नल मिला, इसमें कंप्रेशन हुआ, इसके आयतन में कमी हुई, आयतन में कमी से दाब में वृद्धि हुई, उसकी वजह से यहाँ पर एक जो वाल्व है वो खुला और ये पूरी की पूरी फुफ्फुसीय धमनी में जाके चला गया। अब फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये इधर लंग्स तक पहुंच गए, इधर से इधर लंग्स तक पहुंच गए। फिर लंग्स में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो था इनका, ये इन्होंने दे दिया और क्या एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सेम इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दे दिए और यहाँ से ऑक्सीजन ले लिए। अब ऑक्सीजन ले करके फिर इसके थ्रू आएंगे यहाँ पे, ये है हमारी क्या, पल्मोनरी वेन्स, क्या है ये, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेन्स में आएंगी, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इसमें आते हैं, ये है हमारा। अब इसको थोड़ा सा कलर आप, मैं दूसरा कर देती हूँ, ये यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो है ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त है, इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है और लंग से लेके आई है। फिर यहाँ से फिर वही संकुचन होगा, संकुचन होकर के यहाँ से ये इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, ठीक है, इस निलय में आएंगी, इस निलय में फिर जब संकुचन होगा तब यहाँ से ये प्रेशर क्रिएट होगा और ये चली जाएंगी अयोटा में, कहाँ जाएगी, अयोटा में, और फिर ये अयोटा से शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाएंगी। ये पूरा का पूरा साइकिल है, किस प्रकार से ऑक्सीजन शरीर तक आता है, कैसे वो लंग्स तक जाता है, कैसे लंग्स से वापस आता है और ऑक्सीजन लेकर के फिर पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये दो बार ऐसे ही, पहले यहाँ शरीर से इसमें हृदय, हृदय से लंग्स, लंग्स से वापस हृदय, हृदय से शरीर तक, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन द्वैध परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन या द्वैध परिसंचरण, क्या कहेंगे, द्वैध परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देखो इसको मैं एक क्या बोलना चाहिए आपको, एक ब्लॉक डायग्राम से छोटा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से देखिएगा दोबारा, ठीक है। देखो ये है हमारा हार्ट, ठीक है। अब हार्ट के चार चेम्बर्स, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये है हमारे हार्ट, हार्ट के चारों चेम्बर्स, ठीक है। इधर से है हमारा वीना कावा, यहाँ से सारा का सारा बॉडी पार्ट से, ठीक है, ये है, ये बॉडी पार्ट्स हैं, ये बॉडी से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त
रुधिर, ठीक है, ये आता है इस वाले चेंबर में, यहाँ से इस चेंबर में आने के बाद इस चेंबर से इस चेंबर में आता है, ये है हमारा राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, आलिन निलय, आलिन निलय, ठीक है, तो राइट आलिन इसमें आता है, यहाँ से इसमें आ गया, फिर यहाँ से जाता है लंग्स को, यहाँ से जाएगा लंग्स को, ठीक है, फिर लंग्स के पास जा करके कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ले करके आ जाता है इसमें लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू शरीर के सभी भागों तक ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाता है। देखो जब ये गया तो कार्बन डाइऑक्साइड था, ये यहाँ आया तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर, यहाँ से जब यहाँ गया, ये दोनों पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी, ये पल्मोनरी वेन फुफ्फुसीय शीरा, ये जब लेके जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब लेके आ रही है तब ऑक्सीजन, आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में सभी को, ठीक है, लंग्स तक लेके गई, लेकर के आई और उसके बाद में, तो ये वाला जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम द्वैध परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है, कैसे हार्ट पंप करता है, ठीक है, इसके सारे तत्वों को मैंने हिंदी में भी अच्छे से बता दिया है, ठीक है, एट्रियम को हम कहते हैं आलिंद, वेंट्रिकल को कहते हैं निलय, ठीक है, ये आर्टरीज को हम कहते हैं धमनिया, वेन्स को हम कहते हैं शीराएं, कैपिलरीज को हम कहते हैं केश नलिकाएं, ठीक है, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी अयोटा, सबसे बड़ी शीरा वीना कावा, ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए, ठीक है, अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड विभिन्न एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, डैश कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ऑक्सीजन रहित रुधिर को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन लेकर के जा रहा है, बाहर लेके जा रहा है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, कौन लेके जा रही है, फुफ्फुसीय धमनी, ये है पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी। अब इन ह्यूमंस डैश इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, अच्छा ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो थोड़ा समझो इसको, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, आप होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी आप तो नहीं जाएंगे, मतलब आपका नहीं होगा, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, लोगों का ब्लड प्रेशर नापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो नापते हैं उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg, ये mm ऑफ Hg में नापा जाता है इसको, ये 120 ये 80 जो वैल्यूज है ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर दिखाता है, ये आपका डायास्टोलिक प्रेशर दिखाता है। अब ये जो सिस्टोलिक और डायास्टोलिक प्रेशर का क्या मतलब हुआ, जब हृदय पंप करता है ना, जब हृदय पंप करता है और वो रुधिर को बाहर भेजता है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरीज में भेजे या आयोटा में भेजे, जब वो हृदय से बाहर भेजता है तो उसको क्या करे, उसके जो मसल्स है उसको पूरा पूरा सिकुड़ना पड़ेगा और प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तो प्रेशर, जिस प्रेशर से हृदय अपने अंदर से बाहर भेजता है रुधिर, उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, अच्छा अब जब उसने प्रेशर दिया उसके बाद वो वापस अपनी पूर्वावस्था में आएगा, रिलैक्स करेगा, तो जब वो रिलैक्स करता है, जब वो वापस अपनी पूर्वावस्था में आता है, तब जो प्रेशर उनकी दीवालों पे होता है उसको हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर, आ रही है बात समझ में, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायास्टोलिक प्रेशर क्या है,
तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू ये नॉर्मल दिखाता है 120/80, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज है। इससे ज्यादा होना या कम होना, फिर हम बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इस नॉर्मल रेंज से जो भी डिफर करेगा उसको हम कहते हैं फिर ब्लड प्रेशर का, ठीक, हाई या लो। ओके, तो आई होप ये नॉर्मल रेंज है 120/80 mmHg, ठीक है। तो अब इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया 40 mmHg, ये है इसका आंसर, ठीक है। देन द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इज 80 mmHg, अभी हमने देख लिया, ठीक है। फिर द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इज, ठीक है, सिस्टोलिक है 120 mmHg, ये है इसका आंसर 120 mmHg, ठीक है। आगे देखेंगे, ये पुराने इयर्स में आए हुए कहीं कहीं के क्वेश्चंस हैं, कैसे बनते हैं वो देखना है अपन। डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये रिपीट हो गया आई थिंक, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डैश कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा लेके जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के जाता है, ऑक्सीजन युक्त वाला जो है, ठीक है, वो पल्मोनरी वेन्स है, ये एक्चुअली फ्रॉम लंग्स होना चाहिए था, ठीक है, ये क्वेश्चन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये नहीं आएंगे। Which of these structures separate the atria of the heart? ठीक है, मतलब दोनों आलिंदों को विभक्त करने वाला इनमें से कौन सा है, ठीक है, क्या ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, septum, ventricle, Purkinje's fiber and bundle of His, इनमें से कौन एट्रिया, एट्रिया मतलब आलिंद, दोनों आलिंदों को विभक्त करने वाले जो मसल्स हैं उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेप्टम, क्या कहते हैं सेप्टम, दोनों एट्रिया को विभक्त करने वाली जो होती है वो होता है सेप्टम। वेंट्रिकल्स तो अपने आप में दो अलग निलय ही है। अच्छा, ये क्या है, Purkinje's फाइबर्स और बंडल ऑफ His, ये जो है ये बंडल ऑफ His, मैंने अभी आपको बताया था एक है SA नोड और एक है AV नोड, तो SA नोड और AV नोड को कनेक्ट करने वाली जो रेखाएं, क्या बोलना चाहिए, लाइन है, उसको कहते हैं बंडल ऑफ His। Purkinje's फाइबर इस वेंट्रिकल को आपस में कवर करी हुई होती हैं, ये निलय के चारों ओर पाई जाती हैं और ये मदद करती हैं उन निलयों के संकुचन में, ठीक है, ये वेंट्रिकल निलयों के चारों ओर पाई जाती हैं, ठीक है, और ये मदद करती हैं उनके संकुचन में, तो उसको हम कहते हैं Purkinje's फाइबर। और बंडल ऑफ His एक जो SA नोड और AV नोड को कनेक्ट करती है, पहला सिग्नल SA नोड में जनरेट होता है, जैसे वहां से सिग्नल खत्म हुआ, एट्रिया जो आलिंदों का संकुचन समाप्त हुआ, उसके बाद में AV नोड तक सिग्नल पहुंच जाता है, फिर AV नोड सिग्नल जनरेट करता है निलयों के संकुचन के लिए, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों को जो जोड़ के रखता है वो है बंडल ऑफ His। आगे आते हैं, व्हाट इज द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल कॉल, ठीक है, जो आपका राइट वाला आलिंद है और राइट वाला निलय है, उनके बीच में जो वॉल्व है वो क्या है, तो उनके बीच में जो वॉल्व है वो बाइकस्पिड वॉल्व है। अब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्या है, कस्प का मतलब होता है कप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा और ऐसा, बीच में एक गैप है, ये है बाइकस्पिड, बाय मतलब दो होता है, तो एक कप दूसरा कप, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसा होता है, ये तीन कप्स वाला होगा और ये इनके बीच से दो जगह से जा सकता है, ठीक है। तो राइट साइड वाले में बाइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट साइड वाले में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है,
ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ये वॉल्व है जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल आलिंद और निलय को एक दूसरे से विभक्त करता है। तो आलिंद और निलय के बीच आने वाले वॉल्व में जो राइट वाला होता है, राइट वाले आलिंद और निलयों को विभक्त करने के लिए बाइकस्पिड वॉल्व का प्रयोग किया जाता है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है ये लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। आलिंद को निलय से सेपरेट करता है। लास्ट वन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ SAN? SAN मतलब ये SA नोड को बोल रहा है। SAN मतलब SA नोड की बात कर रहा है ये। तो जो SA नोड है वो कहां पे होता है? वो होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये लास्ट वाला। जो हमारा राइट वाला आलिंद होता है उसके अपर राइट कॉर्नर में ऊपर में होता है। मैंने आपको डायग्राम में ये चीज दिखाई भी थी, ठीक है। वापस आते हैं एक बार, ये देखो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है अपना SA नोड, ठीक है। यहाँ पे होता है SA नोड, यहाँ से एक कनेक्ट होता है AV नोड के लिए, इसी को हम बोलते हैं बंडल ऑफ सेल्स। यहाँ पे बीच में होता है AV नोड, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा सा ये समझिए, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया भी हमने शुरू मतलब डिस्कस करी थी वो शुरू कहां से हुई थी? वो शुरू हुई थी इस SA नोड से, ठीक है। इसीलिए इस SA नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। पेस मतलब होता है गति, गति निर्धारक है ये, ठीक है। ये आर्टिफिशियली भी लगाया जाता है जब आपका ब्लड हार्ट ठीक से ब्लड पंप ना कर पाए, यानी कि जब ये SA नोड ठीक से वर्क ना करे तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवाते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। तो आर्टिफिशियली ये भी पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। आ जाते हैं आगे वापस से। तो ये कहाँ पे होता है? SA नोड, SA नोड होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। अपना राइट वाला जो आलिंद होता है उसके राइट कॉर्नर पे पाया जाता है SA नोड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा क्या परिसंचरण तंत्र होता है, उसके क्या क्या अंग होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण की प्रक्रिया को हमने देखा, और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्रक्रियाओं को थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और जो भी डाउट होगा आपका वो भी हम क्लियर करेंगे। जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, बिल्कुल पूछिए, और इसको दोबारा से रिवाइज करिए, पढ़िए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।